आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपको तत्काल मदद मिलेगी। MP की सागर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर की मोतीनगर और मकरोनिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को पकड़ा है, जिनसे 75 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस गांजे की कीमत 8 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ के 5 और उड़ीसा के 1 आरोपी सहित कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। वहीं इसमें सागर के 2 आरोपी फरार हैं। एडिशनल SP विक्रम सिंह कुशवाहा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मोतीनगर पुलिस को लंबे समय से दूसरे प्रदेशों में गांजा तस्करी होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर मोतीनगर थाना क्षेत्र के लहदरा नाका रेलवे फाटक के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 6 आरोपियों से 75 किलो गांजा सहित 2 चार पहिया वाहनों को पकड़ा गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सागर पुलिस के मोतीनगर थाना और मकरोनिया थाना की संयुक्त टीम के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है, जिसके तहत अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 2 फोर व्हीलर वाहन, जिसमें कि एक स्विफ्ट डिजायर कार है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसके साथ 4 प्लास्टिक की बोरियों में 75 किलो गांजा जब्त किया गया है। इस पर से मोतीनगर थाने के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, धारा 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत। उप कार्रवाई जो है लेदरा नाका रेलवे फाटक के पास भोपाल झांसी बाईपास रोड मोतीनगर इस जगह पर कार्रवाई की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनसे कि अंतर्राज्यीय गिरोह में शामिल होने का पुलिस को शक है। उनसे पूछताछ किया जाएगा, पूछताछ करके उनके पूरे नेटवर्क को पता करने का प्रयास किया जाएगा। ये अभी जांच का विषय रहेगा, क्योंकि उनको पकड़ा गया है, पकड़ के जब्ती कार्रवाई पूरी लिखापढ़ी की गई है। आरोपी विभिन्न जगहों के, जिसमें कि छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इस तरह के आरोपियों का पता चला है। सागर में जो माल दे रहे हैं, कब तक खुलासा कर पाएंगे? ये विभिन्न स्थानों पर सागर और अन्य जिलों में भी माल देते थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि न सिर्फ सागर बल्कि कुछ और जिलों के भी पता चला है कि ये माल देते थे। इनसे जब पूछताछ विधिवत तरीके से होगी तो इनका पूरा नेटवर्क क्लियर होगा, कहां कहां ये माल देते थे, किन से माल खरीदते थे और इनके गिरोह में कौन कौन शामिल है, ये पता लगेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें बड़ी कार्रवाई ये है कि इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो पकड़े गए हैं, ऐसा शक है कि जो मैंने किंग पेन है, जहाँ से कि शुरुआत होती है लाने ले जाने की, तो ये लोकल में कहाँ देते हैं ये तो पता चली जाएगा, क्योंकि इनसे पूछताछ होगी, उनका मेमोरेंडम कथन लिया जाएगा, उसमें ये खुलासा हुआ कि ये माल किनको देने वाले थे। इसके लिए हो सकती है कि जो मुख्य आरोपी थे वो पकड़े नहीं जाते थे। इस बार ये मुख्य आरोपी जो कि इनके तार की उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए वो पकड़े गए, इनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने का अनुमान है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसे पूछताछ में ही पता लग पाएगा कि क्या इनका पूरा नेटवर्क। सर, ये मुखबिर की सूचना है या फिर ये मतलब मोतीनगर थाना का एक लंबे समय से प्रयास चल रहा था, उसमें मुखबिर भी लगाए गए थे, अन्य भी इसमें तरीके आजमाए गए। पुलिस के पास जो तरीके होते हैं, क्योंकि उनको सार्वजनिक करना उचित नहीं है कि उनकी जानकारी ना हो जाए अपराधियों को, लेकिन प्रयास काफ़ी समय चल रहा था, इसमें सफलता मिली है और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मुसीबत से अब घबराना नहीं, आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें निर्भया सागर ऐप। अपनी सेफ्टी का रखें ख्याल। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें और अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड बनाएं और साइन अप करें। सबमिट बटन दबाते ही आपका रजिस्ट्रेशन ऐप में हो जाएगा। इसमें अपने सबसे नजदीकी केयर टेकर या परिजन का मोबाइल नंबर फीड कर एड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट बटन प्रेस करें। सारी प्रोसेस के बाद अगर आपको कहीं कोई परेशानी जाए तो SOS लाल बटन दबाते ही आपकी सूचना कंट्रोल रूम समेत परिजनों के पास पहुंच जाएगी और तत्काल आपको मदद मिलेगी।